मेरा नाम है चंचल त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोड नालू। देखिए, आजकल का जो ज़माना है, आजकल जितनी टेंशन भरी माहौल है, जितना टेंशन भरा, और दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हो रही है जिससे हमें बहुत नुकसान, बहुत टेंशन, बहुत ही परेशानी, खासकर छात्रों को जिनको पढ़ना है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो कई बार वो तनावग्रस्त हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पढ़ना है, बस उन्हें अपने पे विश्वास रखना है और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को चलाते रहना है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है रोड नालू। रोड नालू में हम आपको इतने आराम से अच्छे से पढ़ाएंगे जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर का तो नाम बहुत, ऐसा कोई होगा ही नहीं शायद जिसने नाम ना सुना हो, बच्चे से लेके बड़े तक सबको पता है कंप्यूटर। और आज यहाँ तक कि आपके पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स जो भी हैं, आप सबके पास हैं, कुछ ना कुछ है, सब हर जगह मिल रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे उसका यूज़ ना हो कंप्यूटर का। आप ले लीजिए रेलवेज़ में, टिकट बुक नहीं होगा अगर आपके पास कंप्यूटर ना हो, तब तो टिकट नहीं बुक होगा, ऑनलाइन हो रहा है, सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं लोग, कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, और वो भी बिल्कुल लोड नहीं रहे। कंप्यूटर ने लोड को बहुत ही कम कर दिया है। कंप्यूटर नॉर्मली लोग जानते हैं ये क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सभी को पता है, नॉर्मली बच्चों वाली परिभाषा है। लेकिन कंप्यूटर का सबसे शाब्दिक अर्थ अगर लें हम, तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में होता है टू कंप्यूट, मतलब कंप्यूट करना, जो कंप्यूटेशन करे वही है कंप्यूटर। कंप्यूटेशन मतलब हिंदी में अगर जाने तो इसका संगणक नाम कहते हैं कंप्यूटर को। और इसका अगर देखें अर्थ हिंदी वाले का भी, तो इसका अर्थ है गणना करना, अर्थात कंप्यूटर जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसको आसानी से हमें आउटपुट देता है। आउटपुट का अर्थ होता है तो हमें रिजल्ट देता है। अगर ये ना हो तो समझ लीजिए कितने काम रुक जाएं देश में। आपने सुना होगा कितने कितने प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जहाँ के जिसके पास लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं है, फॉर्म भी भरना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है। अगर आज का आप समय लीजिए, अगर आज का समय अगर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल नहीं होता, तो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का टाइम है, कोई किसी से मिल नहीं सकता, बहुत सी परेशानियाँ हैं। अगर ये सब ना होता तो हम लोग ऐसे मिल भी नहीं पाते और ना ही पढ़ाई कर पाते। इसने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। तो कंप्यूटर जान लिए। अगली बात, सबसे इसका जो आविष्कार है 1942 में हुआ था, चार्ल्स बैबेज जी ने किया था, चार्ल्स बैबेज जी। और इन ये चार्ल्स बैबेज जी से पहले भी लोगों ने किया था इसका, मतलब इसका आविष्कार हो चुका था, लेकिन उन्होंने सही तरीके से इम्प्रूव करके इसको कंप्यूटर का मेन रूप जो है दिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा इसकी जनरेशंस। इसकी 5 जनरेशन है। और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की जनरेशंस, कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सभी हमें मेन अभी हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। और इसको आगे की वीडियो में हमने आज केवल इंट्रोडक्शन दिया है, और इसको पढ़ने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, और हम जल्द ही आपको इसका अगला वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद।